Hello students, in this question it is given. Sudha finds out that sharp image of the window pane of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeters from the lens. She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the window pane without disturbing the lens. Ab keh raha hai. In which direction will she move the screen to obtain the sharp image of the building? बस आपको यहाँ पे एक ध्यान जो आपको रखना है बात का, जैसे मान लो ये एक लेंस है, मैं convex lens बना देता हूँ, ठीक है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लेंस के करीब है तो उससे रेज ऑफ लाइट कैसी आती है बेटा? डाइवर्जिंग आती है, ऐसे डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है, अगर मैं विंडो पेन की बात करूँ तो विंडो पेन तो पास में ही है उसके साइंस लेबोरेटरी के, ये रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट दूर कन्वर्ज होंगी तब जाके एक शार्प इमेज मिलेगी, ठीक है? तो इसकी स्क्रीन यहाँ पे इसकी स्क्रीन। अब ये मान लो विंडो पेन था, अब दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में एक टॉल बिल्डिंग है जो कि बाहर, अब जो टॉल बिल्डिंग है वो तो दूर है काफी, आपको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है उससे रेज ऑफ लाइट अपन क्या मानते हैं? अपन ये मानते हैं उससे रेज ऑफ लाइट पैरल आ रही है, ये पैरल आ रही है। तो अब पैरल रेज ऑफ लाइट जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी, सिंपल सी बात है भाई, पैरल है तो कन्वर्जिंग कैपेसिटी कम चाहिए, डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, या फिर सिंपल शब्दों में डाइवर्जिंग है तो दूर कन्वर्ज होगी और अगर पैरल है तो पास में कन्वर्ज हो जाएगी। तो अगर उसको टॉल बिल्डिंग की इमेज चाहिए, साफ क्लियर इमेज, तो उसको जो स्क्रीन है, लेंस तो मूव नहीं करा, क्वेश्चन में दिया लेंस को मूव नहीं कर सकती वो, तो जो स्क्रीन है उसको लेंस के करीब लाना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है ये आपका चेंज हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो जो विंडो पेन का जो डिस्टेंस मिल रहा था ना वही अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट पूछा है, कुछ कम होगा 14 हो जाए 13 हो जाए, बट क्योंकि अप्रोक्स पूछा था 15 लिख सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।